मित्रों फाइनली हमारा बेटा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है UGW का और हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हुए हैं, क्या क्या इसमें नई चीजें ऐड की गई हैं और एक चीज क्या क्या इसमें गड़बड़ किया गया है। तो आओ मित्रों सब कुछ जानते हैं और UGW को तो आप जानते ही होंगे कि यहाँ पर देखिए BGMI की तरह ही 459 MB का अपडेट अंदर भी आया है। तो हम यहाँ पर तुरंत अपडेट कर लेते हैं अंदर भी और फिर स्टार्ट करते हैं अपना UGW। और ये भी हम आपको बता दें कि ये लो एंड डिवाइस के लिए भी उपस्थित है क्योंकि भाई ज्यादा MB का नहीं होने वाला है, 1 GB 1.5 GB बहुत है। पर हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि यहाँ पर हमारा मैप वैप कुछ चेंज हो रहा है या फिर नहीं। तो हम यहाँ पर क्लिक करते जाते हैं, हर चीज पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर सीजन पर भी क्लिक करते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर फीचर नॉट अवेलेबल भाई डिसेबल्ड कुछ बता रहा है। कुल मिला के कोई भी ऑप्शन यहाँ पर ओपन नहीं किया गया है, ना ही इन पे यहाँ पर कोई मैप ओपन मतलब कि ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पर क्लियरिटी थोड़ा हमको लगता है इंक्रीज किया गया और यहाँ पे ये खोपड़ी ओपड़ी इधर उधर घुमा रहा है वो इंक्रीज किया गया है। यहाँ तक कि प्रोफाइल में भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं हमारे हिसाब से। तो पिछले बार जो हमने बेटा वर्जन खेला था उसी तरीके का पूरा लॉबी दे दिया है अभी। और सेटिंग में आप देख सकते हो यहाँ पे HD में आपको यहाँ पर अल्ट्रा मिल रहा है, जो कि हमारा मोबाइल लो एंड डिवाइस है उसमें आपको अल्ट्रा मिल रहा है HD पे। और मित्रों थोड़ा और हम जब नीचे आते हैं यहाँ पर तो नीचे हमको दिखे यहाँ पर कुछ ये BGMI की तरह ही क्लासिक ब्राइट और कुछ और ऑप्शन मिल रहे हैं हमको, लेकिन हम यहाँ पर कलरफुल वाला लगाएंगे। और फिर अब मित्रों हमको सबर नहीं हो रहा तो हम स्टार्ट कर देते हैं अपना गेम। और यहाँ पे देखिए लोडिंग स्क्रीन भी काफी तगड़ी इन्होंने लगाई हुई है। एंड फाइनली मित्रों हम पहुंच चुके हैं अपनी लॉबी में और यहाँ पर भाई साहब कितना तगड़ा, मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है इसमें, हाई सेंसिटिविटी पे सेट हुई है क्या है? तो सेटिंग ओपन करते हैं हम, थोड़ा सेंसिटिविटी इसकी लो करते हैं और देखते हैं भाई क्या मामला है इसमें, सेंसिटिविटी हाई है क्या? तो यहाँ पर इतना हाई तो नहीं है, 90 ही है, लेकिन इसको हम और थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि हमारा वो जो है थोड़ा सा उंगली लगाओ भाई, बहुत ज्यादा हिल जाती थी स्क्रीन। चलिए कोई ना, अभी हमारा सेकेंड यहाँ पे खत्म हो चुके हैं और हम आ चुके हैं यहाँ पर प्लेन में। और प्लेन में आने के बाद हम थोड़ा सा मैप देखते हैं कि कहाँ पे हमको कूदना है। और साथ ही साथ बताते हैं हम आपको कि इस प्लेन में 64 बंदे हैं, यानी कि हमारे मैप में 64 बंदे उतरेंगे और उन्हीं के साथ हमको फाइट करनी है। और यहाँ पर हमने सिर्फ मैप ओपन किया है, ये नहीं सोचा कि कहाँ कूदना है, तो यहीं पर कूद जाते हैं, सिर्फ हमको कूदना ही तो है। तो पैराशूट खुलने की आवाज तो भाई कतई जहर है। और अभी देखते हैं कि लैंडिंग कैसी होती है हमारे महाराज की। वाह भाई लैंडिंग तो बड़ी आराम से हो गई। और अभी यहाँ पर देख सकते हैं आपकी न्यू ऑप्शन एक डैश वाला इन्होंने ऐड कर रखा है, तो इसको हम यूज करके देखते हैं। तो मित्रों ये तो काफी मस्त ऑप्शन है, लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, ये जब जमीन पे पैर होंगे आपके बंदे के तभी यूज होगा, बाकी आप जब जंप कर रहे होंगे तो हवा में ये यूज नहीं होगा। तो इतनी बात आपको याद में रख के इस ऑप्शन का यूज करना है। और अभी चेक कर लेते हैं हमारे पानी में कुछ ग्राफिक्स कुछ चेंज हुए या फिर नहीं हुए। हाँ मित्रों इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे UGW वाली टीम से, अगर वो देख रहे हैं तो वो जो डैशिंग वाला है वो अभी जंप करें तब भी वो यूज हो, कुछ इस प्रकार का उसको बनाइएगा। और यहाँ पर पेड़ देख सकते हैं आप और घर देख सकते हैं। हाँ इसमें काम किया गया है, काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया है HD में, मतलब कि ग्राफिक्स तो काफी अच्छे कर दिए गए हैं UGW के। और यहाँ पर हमको इमली मिली, मतलब कि इमली वाली गन हमको मिली है। और यहाँ पर साथ ही साथ एक और गन मिल चुकी है और यहाँ पर हथौड़ा भी मिल चुका है। और मित्रों यहाँ पर ग्राफिक्स में कुछ गड़बड़ लग रहा था हमको, तो हम ग्राफिक्स चेंज कर देते हैं। यहाँ पे स्मूथ पे भाई हमको स्ट्रीम मिल रहा है, तो भाई बहुत बढ़िया है, यही हम लगाएंगे। और भाई देखिए कलर भी इम्प्रूव हो गए इसमें। हमारे पास थी यहाँ पे M4 और अभी M4 से किसी फलाने को निपटाने की बारी आ चुकी, तो हमको दिख चुके हैं एक फलाने, तो उनको हम निपटाएंगे और उनकी पेटी देखेंगे। वाओ मित्रों इसमें तो व्हाइट कलर का धुआं निकल रहा है। और यहाँ पे देखिए एक पोटली पड़ी हुई है जिसे हम पेटी कहते हैं, लेकिन इसमें भाई लूटने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो कोई ना भाई UGW वाले थोड़ा सा ध्यान रखिए इसका, और भाई थोड़े छोटे मोटे ग्लिच सही कीजिए इनके। और फलाने मारने के बाद पेटी ना लूट पाना भाई वो वही दर्द समझ सकता है जो कि इस प्रकार के गेम खेलता है। खैर कोई ना, अभी हम गाड़ी चला के देखते हैं कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है या फिर नहीं। बाकी सब ठीक है, लेकिन हॉर्न चेक करते हैं।
हाँ हॉर्न तो काफी मस्त है। और यहाँ पे देखिए एक भाई ट्रक वाला माहौल बना हुआ है, धनतारा वाला, तो क्या हम इन ट्रक को ड्राइव कर सकते हैं? लेकिन भाई ड्राइव का ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसके अंदर हम बैठ के बड़े अच्छे से लेट के कैंप कर सकते हैं, जिससे कि फलाने बहुत सारे मरेंगे हमारे हाथों से। और मित्रों एक चीज और यहाँ पे टेस्ट करनी है, ये कार वाला जो मामला है, टायर पिछली बार फोड़ के आपको दिखाए थे ना, क्या है हाल थे उसके, तो भाई रिम ही नहीं थी उसमें। लेकिन एक सेकेंड भाई, यहाँ पर इस बार तो टायर फूट ही नहीं रहे हैं। मित्रों इसका एक ही मतलब निकलता है कि इसमें से UGW वाले ने कार का डैमेज ही हटा दिया है। भाई बहुत गलत काम किया है UGW वालों ने। अगर आप देख रहे हो तो भाई इसको फिर से एंटर करो, मतलब कि कार का डैमेज नहीं होगा तो मजा ही कहाँ आएगा, और भाई टायर भी फूटने चाहिए। और बाकी सब तो ठीक है, कार का लुक भी काफी अच्छा है, बस इतना ही आप कर दीजिए बहुत अच्छा होगा। और UGW आपकी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी अगर आपने ये काम कर दिया। हाँ तो मित्रों यहाँ पे सर्कल बहुत छोटा बचा हुआ है, तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे वैक्ट्री ना करेंगे, और यहाँ पे वैक्ट्री ना करके अभी हम अपनी पेटी बनवा लेते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि एक्सपेक्टेड वाला एक ऑप्शन उन्होंने बढ़ा के दिया है हमको, तो वो भी चेक करना है हमको। तो हम किसी आदमी से जाके अपने हाथों ही मर जाते हैं, मतलब कि उसके हाथों ही मर जाते हैं। लेकिन मित्रों उससे पहले मॉली टेस्ट, स्मोक टेस्ट और ग्रेनेड टेस्ट तो बाकी ही रह गया, तो इनको हम पहले टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्मोक की बारी। हाँ मित्रों स्मोक तो काफी अच्छा है, और अभी हम चेक कर लेते हैं मॉली। तो मॉली से तो हमारे लग गई आग, तो अभी हम चलते हैं आगे, वो भी हेल्थ लगा के। और अभी बारी है ग्रेनेड टेस्ट की। तो मित्रों उतना अच्छा ग्राफिक्स नहीं दे पाए हैं UGW वाले अभी फिलहाल, तो इम्प्रूव तो करेंगे पता है हमको, लेकिन फिलहाल इतना अच्छा ग्रेनेड का ग्राफिक्स नहीं है, या फिर एनिमेशन कह लीजिए इतना अच्छा नहीं है ग्रेनेड का। भाई स्मोक तो काफी अच्छा है अपने हिसाब से तो। और यहाँ पर स्टन ग्रेनेड चेक कर लेते हैं। खैर ये तो काफी अच्छा लगा हमको, और सबसे अच्छा एनिमेशन हमको पता क्या लगा, ये वाला। वाह भाई UGW वालों मजा आ गया इस एनिमेशन में, तो मजा आ गया हमको। और यही करते करते हम अपने ऊपर गाड़ी चढ़वा लेते हैं, और उसी बात पे हम चेक कर लेते हैं एक्सपेक्टेड वाला वो ऑप्शन आया ना, वो वाला मिशन, मतलब कि ऑप्शन। तो हमारी यहाँ पे पेटी बन चुकी है, और यहाँ पे हमको एक्सपेक्टेड वाला तो भाई कहीं पे दिख नहीं रहा है, ऑटोमेटिक एक्सपेक्टेड होने लगा हमको लगता है यहाँ पे। और उसका यहाँ पे कार्ड भी ओपन होके आ गया, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आ गई है। बाकी गाड़ी पे बंदा चल रहा है और बंदा दिख नहीं रहा है, ना फिर उसकी गाड़ी ही दिख रही है। अभी बंदा दिखेगा भी गाड़ी भी दिखेगी, वो कैसे अभी देखिएगा, ये जब गाड़ी अपनी रोक देगा तब दिखेगा। तो बंदा तो यहाँ पे दिखने लगा है, लेकिन गाड़ी ठुकने की आवाज कहाँ गई भाई, हमको तो नहीं सुनाई पड़ी। आपको सुनाई पड़ी क्या, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आज के वीडियो में इतना ही मित्रों, वीडियो चली गई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके हमको वही बताइएगा कि आपको गाड़ी की आवाज सुनाई पड़ी थी क्या एक्सीडेंट होने की। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।